बाय द वे मैं बता दूं कि पर्सनली मुझे कंगना रनौत बड़ी दमदार पर्सनालिटी लगती है। एक्टिंग वैसे तो कभी मैंने गौर नहीं किया, बट उसका मुंह फटोना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो पॉइंट पे आते हैं। कंगना रनौत की फिल्म चंद्रमुखी 2 का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। देखो और बातें साइड में, बट रिव्यू ऑनेस्ट ही रहेगा। ट्रेलर की स्टार्टिंग टट्टी लगी, स्पेसिफिकली म्यूज़िक, और म्यूज़िक से भी मतलब है मेरा वोकल से। बट भाई, राघव की एंट्री हमेशा की तरह झक्कास। फिर एंट्री होती है साउथ इंडस्ट्री के कॉमेडी किंग की, जिनका रोल हर मूवी में अच्छा होता है, वो भी सही था। फिर ट्रेलर में वो सीन आता है कि वहाँ मत जाना, वहाँ कोई है, हाँ ऐसा ही कुछ बोलते हैं, देखकर कुछ देखा देखा सा लगा। फिर याद आया ये तो सेम ही चंद्रमुखी की कहानी वापस छाप दी, बस करेक्टर्स के फेस चेंज कर दिए गए हैं। कहानी सेम लगने की वजह से मन ही उतर गया था। इससे बढ़िया तो जब रजनीकांत चंद्रमुखी में रोल प्ले कर रहे थे ना, वही मस्त था। अब सिर्फ पैकेजिंग चेंज करने से क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी? और अब बात करते हैं चंद्रमुखी के अपीयरेंस की, जिसमें सीरियसली कंगना चांद का मुखड़ा ही लग रही थी। ऑब्वियसली बंगाली लुक था भाई, अच्छी तो लगेगी ना। कुल मिलाकर ये तो कहा ही जा सकता है कि कॉमेडी तो होगी इस मूवी में, बट मज़ा आएगा ये गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि सेम ही छाप दिया। बाकी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलना है। तो यही था मेरा रिव्यू चंद्रमुखी 2 को लेकर। आप क्या सोचते हैं ज़रा वो भी कमेंट्स में बता दिया करें, और लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।